बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दिस इज IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट IAS 2, दिस इज अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल सीखा कि दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, and this rule is applied according to prudence concept, as prudence concept says business cannot overstate assets or profits. Then we said inventory purchase or sale recording patterns also play a key role in inventory valuation, and there are three patterns which are followed, for example FIFO, AFCO and LIFO. We said FIFO के accordingly क्या होता है, old stock is sold first and the unsold stock will be of the latest prices, the latest one. इसी तरह से AFCO में हम क्या करते हैं, old stock और new stock को मिला के एक average cost calculate करते हैं। जो stock हम sale कर रहे होते हैं वो भी average cost पे निकल रहा होता है, और जो unsold closing stock हमारे पास remaining होता है that is also at average cost. इसके बाद था LIFO, lost in first out. That means कि जो new stock आएगा वो हम पहले sell करेंगे, the new purchase stock is sold first. तो इस तरह से क्या होगा, जो unsold stock remaining होगा, the closing stock that will be of the old prices, the old one. तो ये इसका एक drawback भी है कि अगर ओल्ड स्टॉक हम पीछे बचा के रखते जाएं तो वो ऑब्सोलीट या फैशन आउट हो जाता है। सो बेहतर ये होता है कि हम पुराना स्टॉक पहले बेचें ताकि जो अनसोल्ड स्टॉक हो वो अपडेटेड या लेटेस्ट डिज़ाइन एंड लेटेस्ट प्राइसेस का हो। फिर कल हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको दो टेक्निक्स बता दूँ जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड या इन्वेंट्री अपडेट करने के लिए फॉलो की जाती हैं। We said one is perpetual inventory system. Perpetual inventory system. Perpetual inventory system क्या होता है कि inventory records are updated after every transaction. Every transaction means purchase or sales. दोबारा से सुने, perpetual inventory system क्या होता है कि inventory records या inventory balance is updated after every transaction of purchases or sales of stock. That means कि जब हम purchase करते हैं inventory further, तो अपना stock level update कर लेते हैं कि after this purchase what type of inventory and what categories, what's designs and prices, each and everything वो हम update कर लेते हैं। अगर उसमें से हम कुछ स्टॉक सेल आउट कर दें तो आफ्टर दैट सेल हम दोबारा से अपना स्टॉक लेवल सारा अपडेट कर लेते हैं कि आफ्टर दिस सेल्स हमारे पास अब कितना रिमेनिंग स्टॉक है। तो ये जो अप्रोच होती है, दिस इज़ कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल के कंपैरेटिव एक और सिस्टम फॉलो किया जाता है, दैट इज़ पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है कि वी अपडेट आवर स्टॉक लेवल्स या स्टॉक बैलेंस आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड कैन बी 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, whatever. के आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड वी विल अपडेट आवर स्टॉक लेवल्स या स्टॉक बैलेंस डिटेल्स। हम हर ट्रांजेक्शन के बाद अपना स्टॉक लेवल अपडेट नहीं करते, बल्कि आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसमें जितनी भी सेल्स परचेजेस होती रहती हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड होती रहती हैं, लेकिन स्टॉक बैलेंस हम उस टाइम पीरियड के एंड पे अपडेट करते हैं कि एट द एंड ऑफ मंथ, 1 month और एट द एंड ऑफ 3 months हमारे स्टॉक लेवल्स क्या हैं। तो हम दोनों अप्रोचेस को यहाँ पे आज प्रैक्टिस करेंगे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को भी और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम को भी। सो ये जो आपको वर्कशीट आज इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपको शेयर कर दी जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से देखें। दिस इज AP बाइज एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, हिज फर्स्ट 3 months ऑफ ट्रेडिंग शोड फॉलोइंग परचेजेस एंड सेल्स। तो
तो फर्स्ट 3 मंथ्स की परचेजेज एंड सेल्स गिवन हैं, जैसा कि इन द मंथ ऑफ फरवरी परचेजेज हैं 300 यूनिट्स की और उसमें से 150 सेल हो गई, एंड देन मार्च में हमने 120 यूनिट्स फर्दर बाय की और सेल्स हो गई 210 यूनिट्स, अप्रैल में हमने 240 यूनिट्स बाय की तो और अप्रैल में सेल हो गई 205 यूनिट्स। तो आगे देखें इस टेबल के नीचे जो दो लाइंस लिखी हुई हैं, फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ईदर परपेचुअल और पीरियडिक इन्वेंटरी में बी यूज कैलकुलेशन शुड बी टेकन टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। फाइन, तो पहले हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर दैट पीरियडिक। सो बी वेरी केयरफुल वाइल प्रैक्टिसिंग, आप कोशिश करेंगे साथ साथ अपनी कैलकुलेशंस करें ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को हमने भी प्रैक्टिस करना है, ज़रा इनकी रिक्वायरमेंट्स को देखें। ए बी सी तीनों पार्ट्स में 3 टेक्निक्स हमसे पूछी गई हैं, जैसे फाइफो के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड मेंटेन करें और 3 मंथ्स एंड पे स्टॉक लेवल बताएं, स्टॉक वैल्यूएशन बताएं। बी पार्ट में है कि लाइफो के अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड मेंटेन करें और 3 मंथ्स एंड पे 30th अप्रैल को बताएं कि स्टॉक लेवल्स क्या हैं। और सी पार्ट है कि आप एफको के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और एट द 3 मंथ्स एंड स्टॉक लेवल्स बताएं। तो ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं, इन एनी मंथ परचेजेस भी हैं और सेल्स भी हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं इसकी मार्किंग स्कीम में और देखते हैं कि ये टेबल कैसे बनेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और ए पार्ट में फाइफो के अकॉर्डिंगली ये बैलेंस अपडेट किया गया और जो टेबल आप देख सकते हैं ए पार्ट में फॉलोइंग फाइफो, ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। व्हाई इज इट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अभी हम देखेंगे कि जब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे तो समझ आएगी। कि देखें ये टेबल कुछ ऐसे बना कि यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहाँ पे उसकी प्राइस और ये उसकी वैल्यू, और इसकी बिल्कुल सीध में यहाँ पे इसका बैलेंस अपडेट हो जाना है। तो देखें जब हमने 300 यूनिट्स बाय किए 7500 के, तो जो बैलेंस है हमारे पास वो 300 यूनिट्स हैं, उसकी प्राइस है 25 और वैल्यू है जी 7500। उसके बाद फरवरी के मंथ में ही हमने 150 यूनिट्स सेल किए, ये देखें इन एंड आउट दो कॉलम्स में वैल्यूज मैनेज हो रही हैं। इनका मतलब ये है कि जो हम स्टॉक बाय करेंगे, आउट मींस कि जो हम सेल आउट कर देंगे। अब 150 यूनिट्स सेल करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, तो 300 जो हमारे पास टोटल बैलेंस था उसमें से 150 यूनिट्स रिमेनिंग हैं, और 150 यूनिट्स जो रिमेनिंग हैं दैट वाज परचेज एट 25 और मल्टीप्लाई करें तो 3750 के यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग है। मार्च में आ जाएं, इन द मंथ ऑफ मार्च वी परचेज्ड 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 27 और इसी की सीध में जब हम बैलेंस में आते हैं तो बैलेंस में मजीद लिख दिया गया कि 150 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, 120 मजीद आ गए जो कि 27 पे खरीदे गए, ये उनकी टोटल अमाउंट बन जाती है। अब देखें इन द मंथ ऑफ मार्च जब हमने 210 यूनिट्स सेल्स किए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन द मंथ ऑफ मार्च 210 यूनिट सेल हुए, तो जरा 210 को सोचें कि जब हम 210 यूनिट सेल करना चाहते हैं तो होगा क्या। एज वी आर फॉलोइंग फाइफो, तो फाइफो को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, पुराना स्टॉक पहले बेचना है, ओल्ड स्टॉक इज सोल्ड फर्स्ट। तो इस वक्त हमारे पास ओल्ड स्टॉक कौन सा है, 150 यूनिट्स जो ओल्ड वन है वो सेल होंगे, और जो उसके बाद 120 आए थे इसमें से 60 यूनिट्स हम लेंगे और वो सेल हो जाएंगे। इस तरह से 210 यूनिट्स की जो है वो डिलीवरी या ऑर्डर कंप्लीट होगा। एंड आफ्टर दिस सेल ऑफ 210 यूनिट्स जो रिमेनिंग बैलेंस है दैट इज 60 यूनिट्स एंड दिस इज ऑफ 27 डॉलर पर यूनिट, और ये उनकी टोटल अमाउंट बन गई। दोबारा से समझें कि जब हमने मार्च में 120 यूनिट्स बाय किए थे तो उससे पहले हमारे पास 150 यूनिट्स
प्रीवियस थे, 120 मजीद आ गए, इस तरह से हमारे पास 270 यूनिट्स टोटल हो गए थे। तो फाइफो को फॉलो करते हुए जब हम मार्च में 210 यूनिट सेल आउट करना चाहेंगे तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू सी कि कौन से 210 यूनिट्स यहाँ पे सेल होने हैं। तो कीप नोटेड कि पहले जो ओल्ड स्टॉक 150 यूनिट्स हैं वो सेल होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वन 120 यूनिट्स हमने बाय किए थे उसमें से 60 यूनिट्स हम लेंगे, और इस तरह से 210 यूनिट्स का ऑर्डर कंप्लीट होगा। एंड आफ्टर दिस सेल ऑफ 210 यूनिट्स 60 यूनिट्स रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 27 एंड अमाउंट इज 1620, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अप्रैल के मंथ में आ जाएं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी परचेज 240 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29, ये टोटल अमाउंट होगी, और उसकी सीध में बैलेंस के कॉलम में हमने 240 यूनिट्स अपडेट कर दिए। एंड इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी हैव एन ऑर्डर टू सेल 205 यूनिट्स। तो 205 यूनिट्स अगर हम सेल आउट करना चाहते हैं तो देखा जाएगा कि 205 यूनिट्स अब हम कौन कौन से सेल आउट करेंगे। तो कीप नोटेड कि पहले जो 60 यूनिट्स पुराने पड़े हुए हैं वो सेल होंगे, और 205 का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए वी नीड 145 यूनिट्स मोर, वी नीड मोर 145 यूनिट्स फ्रॉम दिस 240 यूनिट्स। तो 145 प्लस 60 दोनों को मिला के 205 का ऑर्डर कंप्लीट कर दिया गया। तो इस तरह से आफ्टर दिस सेल जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 95 वो कौन से होंगे, सबसे लेटेस्ट प्राइसेस के, सबसे एंड पे जो हमने 240 यूनिट्स बाय किए थे उन 240 यूनिट्स में से 95 यूनिट्स अनसोल्ड बच गए, और ये $29 पर यूनिट वाला स्टॉक है जो सबसे एंड पे खरीदा गया था, ये हमारे पास 3 months एंड डेट पे अनसोल्ड है। तो वी हैव क्लोजिंग स्टॉक एट द 3 months एंड 95 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29, अमाउंट इज 2755। सो दिस इज फाइफो वेयर वी फॉलोड एन अप्रोच where old stock is sold first. LIFO में आ जाएं, last in first out, it means के जो new stock हम मंगवाएंगे वो हम पहले sell out करेंगे। अब देखें February के month में हमने 300 units buy किए, और उन 300 में से आगे चल के 150 sell कर दिए, and in this way February में हमारे पास 150 units बच गए थे। यहाँ तक तो बिल्कुल same है as per the previous FIFO. जब हम मार्च में आते हैं तो 120 यूनिट्स हमने जब बाय किए तो वो बैलेंस में अपडेट कर दिया, एंड व्हेन वी नीड टू सेल 210 यूनिट्स, अब यहाँ पे डिफरेंस हमने समझना है कि LIFO के अकॉर्डिंगली अब क्या होना है कि जो न्यू स्टॉक हमने खरीदा है, जैसा कि ये 120 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ मार्च, पहले हम ये सेल करेंगे 120 यूनिट्स, और फर्दर जो हमने 90 यूनिट्स मजीद लेने हैं वो पुराना जो स्टॉक था 150 उसमें से लिए जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो 210 यूनिट्स की सेल्स के बाद 60 यूनिट्स रिमेनिंग होंगे वो कौन से होंगे, वो पुराने वाले होंगे, पुराना स्टॉक जो 150 पे पड़ा हुआ था फरवरी वाला, वो 60 यूनिट्स यहाँ पे अनसोल्ड बचेंगे। आप देख सकते हैं कि फाइफो में 60 यूनिट्स जो है वो लेटेस्ट प्राइसेस के थे, ओल्ड स्टॉक वाज सोल्ड, यहाँ पे हम नया स्टॉक सेल कर रहे हैं और पुराना यहाँ पे हम बाकी अनसोल्ड बचा रहे हैं। तो 60 यूनिट्स कौन से हैं जो कि $25 पर यूनिट पे खरीदे थे फरवरी में। सो दिस इज LIFO कि जिसमें हम न्यू स्टॉक पहले सेल कर देते हैं। अप्रैल में आए तो 240 यूनिट्स हमने मजीद बाय किए, ये बैलेंस में अपडेट हो गया, 205 यूनिट्स का ऑर्डर है जो हमने कंप्लीट करना है। अब देखना यह है कि LIFO के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि 205 यूनिट्स हम कहां से लेंगे, ये जो अभी अभी हमने इन द सेम मंथ अप्रैल के मंथ में 240 यूनिट्स हमने मंगवाए हैं, इसमें से 205 यूनिट्स हम सेल कर देंगे, और जब हम 205 यूनिट्स यहां से सेल कर देंगे तो 240 में से 205 माइनस करके 35 ये वाले बच गए, और 60 वो जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था 25 वाला, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। इन दिस वे जो हमारे पास क्लोजिंग डेट पे 95 यूनिट्स हैं, जो 95 यूनिट्स हैं वो किस वैल्यू पे हैं, वो हैं 2515 पे, 2515 उनकी टोटल अमाउंट है। कैसे, 35 यूनिट्स 29 वाले और 60 यूनिट्स 25 वाले, इन दोनों वैल्यूज को, लास्ट टू वैल्यूज को आप ऐड कर लें तो ये बन जाता है 2515। आगे आ जाए आपको में,
एप्को टेक्निक क्या कहती है कि आफ्टर एनी न्यू परचेज आपने क्या करना होता है कि अपना स्टॉक लेवल अपडेट कर लेना होता है और एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी होती है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी, ये तो बिल्कुल सेम है कि 300 यूनिट्स बाय किए, उसमें से 150 सेल कर दिए, तो 150 रिमेनिंग है, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं। मार्च के मंथ में आ जाएं कि जब हम 120 यूनिट्स मजीद बाय करते हैं 27 पे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। जैसा कि एवरेज कॉस्ट का फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे देखें कि आफ्टर दिस परचेज वी हैव टू स्टॉक आइटम्स, 150 यूनिट्स 25 के हिसाब से 3750 के, 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 273240 के। तो आप क्या करें, ये जो टोटल कॉस्ट बन रही है 3750 प्लस 3240 दोनों को ऐड करें तो ये बन जाता है 6990। टोटल कॉस्ट विच इज 6990 उसको आप डिवाइड कर दें 270 पे, तो वी विल गेट एन एवरेज कॉस्ट दैट इज 25.89। दोबारा से देखें, मार्च के मंथ में जब हम नेक्स्ट परचेज करेंगे 120 यूनिट्स की, आफ्टर दिस परचेज हमने क्या करना है, एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला है जी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी, आफ्टर दिस परचेज वी हैव टू स्टॉक आइटम्स, जैसा कि 150 यूनिट्स 25 यूनिट्स $25 पर यूनिट वाले, और 120 यूनिट्स $27 पर यूनिट के हिसाब से जो हमने खरीदे। तो आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, ये बन जाता है 6990। तो 6990 इज बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक, और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इस वक्त 270। तो टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दें 270 पे, वी विल गेट एन एवरेज कॉस्ट दैट इज 25.89। अब आप देखें कि जब हम मार्च के मंथ में 210 यूनिट सेल करना चाहेंगे, तो हमें बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं है कि पुराना स्टॉक कौन सा है और न्यू स्टॉक कौन सा है। जस्ट आप 210 यूनिट्स सेल कर दें और जो अनसोल्ड रिमेनिंग 60 यूनिट्स बचेंगे, दे आर रिकॉर्डेड एट दिस एवरेज कॉस्ट, जो हमने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की अभी थोड़ी देर पहले। तो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो इस एवरेज कॉस्ट पे कैलकुलेट रिकॉर्ड होगा, मेंटेन होगा। मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आ जाता है 1553.33। आगे आ जाएं, अप्रैल के मंथ में व्हेन वी परचेज फर्दर स्टॉक 240 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29, आफ्टर दिस परचेज वी हैव टू स्टॉक आइटम्स नाउ, 60 यूनिट्स एट दिस एवरेज कॉस्ट, 240 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29। तो 60 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, 240 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बनता है 8513.33। सो दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक आफ्टर दिस परचेज, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 300। तो इस तरह से टोटल ये जो कॉस्ट है 8513.33, इसको आप डिवाइड कर दें 300 में, वी विल गेट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 28.38। दिस इज एवरेज कॉस्ट आफ्टर दिस परचेज ऑफ 240 यूनिट्स। अब आप देखें कि अप्रैल के मंथ में जब हमने 205 यूनिट्स सेल आउट करने हैं, वो करवाने के बाद, तो जाहिर है 300 में से 205 माइनस होंगे, द अनसोल्ड नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 95, और ये जो 95 यूनिट्स हैं दे आर रिकॉर्डेड एट दिस एवरेज कॉस्ट जो अभी हमने कैलकुलेट की 28.38। तो अनसोल्ड स्टॉक इज मेंटेन एट दिस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 28.38, और ये उसकी टोटल अमाउंट बन जाएगी, टोटल वैल्यू। तो अगर आप देखें तो एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन को हमने तीन डिफरेंट अप्रोचेस के साथ मेंटेन किया, रिकॉर्ड किया। अब तीनों में 3 months एंड डेट पे नंबर ऑफ यूनिट्स आर सेम 95, लेकिन क्योंकि तीनों टेक्निक्स एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करती हैं, फाइफो में हमने पुराना स्टॉक बेचना होता है पहले, तो इस तरह से 95 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29.2755 के अनसोल्ड बच गए। लाइफो में हमने न्यू स्टॉक पहले सेल करना होता है, तो इस तरह से जो 95 यूनिट्स हैं वो बेसिकली टू प्राइसेस के हैं और टोटल अमाउंट उनकी बन गई 2515। एफको में हमने एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी होती है, इन दिस वे 95 यूनिट्स आर ऑफ 28.38 के। तो एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन है, लेकिन रिकॉर्डिंग टेक्निक जब हम चेंज करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये हमने शुरू में एक स्टेटमेंट समझी थी कि जी डिफरेंट रिकॉर्डिंग अप्रोचेस प्ले की रोल इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन।
एंड दिस इज प्रूफ नाउ. आप इसके नेक्स्ट पार्ट में आए, हमें कहा गया कि जी आप क्या करें, तीनों मेथड्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. जरा रिक्वायरमेंट एक दफ़ा देख लें. ये देखें डी पार्ट क्या कहता है. डी पार्ट है जी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग ईच ऑफ द अबव मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन. अब देखें तीनों मेथड्स में द डिफरेंस इज इन जस्ट क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स विल बी सेम, ओपनिंग स्टॉक वैसे ही निल है. परचेजेस हम यहां से निकाल सकते हैं. ये देखें इस टेबल से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं. 300 इंटू 25, 120 इंटू 27, 240 इंटू 29, तीनों को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट परचेजेस, टोटल परचेजेस. सेल्स लेनी हो तो 150 इंटू 35, 210 इंटू 38 एंड 205 इंटू 41, तीनों को मल्टीप्लाई करके बारी बारी नंबर ऑफ यूनिट से तो टोटल करेंगे तो यू विल गेट टोटल सेल्स फॉर द 3 मंथ्स. तो हमें सेल्स पता चल गई, परचेजेस पता चल गई, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है नहीं, और तीनों टेक्निक्स का क्लोजिंग स्टॉक जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट की, तो यूँ कह लें कि हमने 3 times ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने लेके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. तो वी विल प्रिपेयर दैट सेगमेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेगमेंट अप टू द ग्रॉस प्रॉफिट 3 times. वंस जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक फाइफो के अकॉर्डिंगली लेंगे, देन हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे लाइफो के अकॉर्डिंगली, और फिर हम थर्ड टाइम बनाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक लेंगे एफको के अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेट हुआ लाइक दिस. ये देखें ये क्लोजिंग स्टॉक जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे लिया गया फाइफो, लाइफो एंड एफको. तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू डिफरेंट आ गई है. सो ये जो अभी हम टेबल बना रहे थे फाइफो, लाइफो एंड एफको से, दिस इज बेसिकली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कैसे, कि आफ्टर एनी परचेज और सेल्स हम अपना स्टॉक लेवल अपडेट कर रहे थे, जैसा कि आपने टेबल बनाते हुए देखा. सो दिस इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल डिस्कस किया था और इसमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया था फाइफो एंड एफको का, दिस वॉज बेसिकली पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम. सो फॉर द 3 मंथ्स जो हमने यहां पे देखा कि जी ओपनिंग डेट पे 50 यूनिट्स हैं और इसमें जो टोटल परचेजेस यूनिट्स हैं वो ऐड कर दिए तो ये बन गए थे 640. फिर टोटल सोल्ड यूनिट्स को हमने टोटल किया था तो ये 620 बन गया था. तो टोटल परचेज माइनस टोटल सेल्स 620 माइनस किया तो 20 यूनिट्स वर अनसोल्ड. तो इस तरह से जो हम 3 मंथ्स की टोटल परचेजेस और टोटल सेल्स का डिफरेंस लेके अनसोल्ड निकाल रहे हैं, दिस इज बेसिकली पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम. और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमें 2 चीज़ें पूछी गई थी, फाइफो एंड एफको. अब फाइफो में तो वेरी इजिली वी सेड के जो अनसोल्ड यूनिट्स 20 यूनिट्स हैं दे आर रिकॉर्डेड एट 32 which is the latest price, purchase price. AFCO में हमने क्या किया था, एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर ली थी, एवरेज कॉस्ट जो कि लास्ट 3 purchases को लेके हमने कैलकुलेट की थी. तो इन दिस वे वी गॉट 2 values ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, वन इज फ्रॉम FIFO, वन इज फ्रॉम AFCO. और यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया. तो जाहिर है सेल्स हम यहां से ले लेंगे, जो 620 यूनिट्स सेल हुए उसको मल्टीप्लाई कर दें 50 से, क्योंकि एवरी यूनिट इज सोल्ड एट 50. तो 620 इंटू 50 दिस विल बी टोटल सेल्स. ओपनिंग स्टॉक 50 इंटू 30 है 1500. परचेजेस हम यहां से निकाल सकते हैं, उसके लिए जरा वर्किंग करनी पड़ेगी. 100 इंटू 30, 120 इंटू 30.5, 150 इंटू 31, 120 इंटू 31.5 एंड 100 इंटू 32, इन सबको ऐड करेंगे वी विल गेट टोटल परचेजेस. तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जिसमें कि दोनों में क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिफरेंट. तो हमने दोनों टेक्निक्स को सीखा, परपेचुअल और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम. तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये भी आप सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपने पूछनी है क्वेश्चन आंसर सेशन में, या किसी भी तरह व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास जो कि फ्राइडे को इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, उसमें आपको एक नेक्स्ट असाइनमेंट दे दी जाएगी जो कि आपने
गूगल क्लासरूम में सॉल्व करके सबमिट करनी है, और इससे पहले भी गूगल क्लासरूम में जो असाइनमेंट्स आपको एलोकेट की गई हैं प्लीज़ उनको सॉल्व करें और वहाँ पे अकॉर्डिंगली उनको सबमिट करें ताकि उनको मार्क किया जा सके और मार्क्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे उधर ही गूगल क्लासरूम में, आप अपने मार्क्स और कमेंट्स वगैरह देख सकेंगे। तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर फॉलो करें विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, उसको साथ साथ करते जाएं ताकि आपका जो होमवर्क है वो पाइल अप ना हो जाए। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।